ज्योतिषाचार्य में ग्रहों के चाल का अपना विशेष महत्व है। सभी पांच ग्रहों की स्थिति के आधार पर मनुष्य के भाग्यफल की गणना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की इन चाल में गुरु ग्रह की अच्छी स्थिति मनुष्य को धनवान बनाती है। कुंडली में जब गुरु मजबूत होता है तो मनुष्य के जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य लाता है। वैवाहिक जीवन को मजबूत करने के साथ उसमें सुखद और खुशियां भी बनाता है। मनुष्य के जीवन में जब गुरु की महादशा या अंतरदशा हो और कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में हो तो जीवन में हर मोड़ पर किस्मत उसका साथ देती है। इस दौरान मनुष्य अपार धन संपत्ति का मालिक हो जाता है। इसके अलावा पुत्र प्राप्ति के योग भी होते हैं। बता दें कि गुरु की महादशा और अंतरदशा 16 साल तक होती है। कुंडली में देव गुरु की महादशा हो तो इस दौरान मनुष्य के जीवन में कई बदलाव भी दिखाई देते हैं। महादशा में मनुष्य का मन पढ़ाई लिखाई में लगता है। इसके अलावा पूजा पाठ में भी उनकी रुचि बनी रहती है। इस दौरान जीवन में थोड़ी मेहनत का फल भी काफी अच्छा मिलता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन हल्दी का तिलक भी लगाना बेहद शुभकारी होता है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन किसी को भी बकाया धन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गुड़ का सेवन भी करना चाहिए। इस दिन गुड़ और चने का दान करने से भी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो जाती है। videodex.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।